इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनके विषय में आपसे बैठ कर बातचीत हो रही है। अगर किसी कार्यकर्ता के ऊपर शरीर की सख्ती बनती है तो उस कार्यकर्ता को किसी सीट का जो है लोकसभा चुनाव जो इलाके वो भी हम लड़ाने की सोच रहे हैं। सबसे पहले ये कि कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष वार्ता जो है वो जरूरी थी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जिला रोपड़, जिला नवाशहर, जिला मोहाली से हमें हमारा कमजोर था और अश्विनी जी के नेतृत्व में जितनी भी अश्विनी जी के साथ टीम है, इनके साथ शिवसेना तीनों जिलों का काफ़ी मजबूत हुई है। कुछ पदाधिकारियों की भी ड्यूटी हमने आपस में चर्चा करके आज बांट दी है। जो जो पदाधिकारी काबिल हैं उनको संगठन में अच्छे पद पे जगह मिलनी भी चाहिए, जो पुराने कार्यकर्ता हैं। और साहब मेरे साथ बैठे हुए और भी काफ़ी वरिष्ठ जिनका मैं नाम नहीं जानता, जिनको मेरी फर्स्ट कार्यकर्ता के साथ जहाँ आज पहली मुलाकात है, तो जितने भी सीनियर आगू हैं उनसे बातचीत करके बढ़िया तरीके से जिला की टीम और ऊपर की जिला नया शहर की और जिला मोहाली की जो जिले की कार्यकर्मी है उसको हमने गठन कर दी। तो सबसे पहले यही है कि आज कार्यकर्ता के साथ पहली बैठक थी और बैठक में यही विषय पर चर्चा होगी और जहाँ भी अश्विनी जी किसी सीनियर आगू के बारे में सिफारिश करेंगे उसकी ड्यूटी उसके साथ शुरू होगी। इसके अलावा आज का और क्या प्रोग्राम प्रोग्राम यही है कि हम पंजाब में हमने प्रोग्राम शिक्षा की ओर से सबसे पहले शुरू किया था पूरे पंजाब में, जब पिछली अकाली भाजपा की गवर्नमेंट थी राज्य के खिलाफ। अब जो शिवसेना है, जैसे शिवसेना नाम है, ये शिवसेना पंजाब है, शिवसेना पहली कौन सी शिवसेना? तो एक ही है, बाला साहब की शिवसेना है। बाला साहब किसी भी पहचान के में तो आज तो है नहीं, तो कुछ हमारे लोग बढ़के हुए हैं वो भी आस्ता आस्ता करके आएंगे बाला साहब की लोग, क्योंकि प्यार लोग बाला साहब की विचारधारा को करते हैं। काम सभी लोग शिवसेना का कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बढ़ गए, रास्ता जो है वो भूल गया। तो कोई नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब उनको लगेगा तो शिक्षा के लिए उनके दरवाजे से बात करेंगे। तो ऐसे शिक्षा का काम क्या है आपका? आज पंजाब में सबसे पहले जरूरत है कि आज जो पंजाब की नौजवान युवा पीढ़ी है नशे की दलदल में उठी जा रही है। सबसे पहले पंजाब में पिछली सरकार में शिक्षा ने ड्रग्स के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। तो पिछले दिनों में हम अमृतसर मजीठा जहाँ से इस ड्रग्स का सबसे पहला प्रॉपर चला था, तो उसी गांव से हमने इस ड्रग्स के खिलाफ जो प्रचार शुरू किया, नौजवानों को सरकार से हमने मांग भी की है कि जो मतलब के अच्छे नौजवान हैं चाहे किसी भी गांव में, सरकार को चाहिए, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि हर गांव में 10-10 ऐसे युवाओं की एक कमेटी गठित करनी चाहिए जो अपने इलाके में नज़र रखे, अपने नौजवानों पे नज़र रखे। तो सबसे पहले सरकार को ड्रग्स का जो ड्रग्स की दलदल में हमारे नौजवान फंस रहे हैं, पंजाब की जो शक्ति युवा पीढ़ी फंस रही है उसके लिए हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में देखो उन्होंने कितने अच्छे इंतजाम उपराले किए हैं कि हर गांव में स्पोर्ट्स को इतने बढ़िया तरीके से वो पेश कर रहे हैं, अकेडमियाँ गठित कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, छोटे बच्चों के लिए अलग हो रही है,
और जो बड़े युवा है उनके अलग हुई है, और आज देखो हरियाणा का नाम है खेल में। तो सरकार पंजाब सरकार को भी चाहिए भी अपने नौजवानों का जो ध्यान है वो अपने ड्रग्स की ओर से हटाकर स्पोर्ट्स की तरफ ले के जाना चाहिए। तभी पंजाब के जो युवा है उनकी भलाई है, तभी पंजाब आगे बढ़ सकता है। तो हमारा सबसे अहम संदेश यही है कि जो पंजाब के नौजवान हैं, जैसे हम आज रोपड़ में आए हैं, दो तीन जिलों के जो हमारे कार्यकर्ता सीनियर आदमी वहाँ आए हुए, उन्हें भी हमने अपील किया कि अपने अपने इलाके में अपने कार्यकर्ता जो अच्छे फिर भी इलाके में अच्छी पकड़ा उनके नेतृत्व में छोटी छोटी टीमों का गठन करो पुलिस प्रशासन का। आज देखो आज नशा जो ड्रग्स है, अगर हम सोचते हैं भी सरकार उसके ऊपर विराम लगाएगी तो मेरे को लगता है कि सरकार के पास की बात नहीं। अगर हम सोचते हैं अभी पुलिस प्रशासन ही सब कुछ करेगी तो वो भी असंभव बात है, क्योंकि इसके लिए सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको आगे आना पड़ेगा। किसी सरकार के ऊपर ब्लेम करना बहुत आसान है, पिछली सरकारों के ऊपर भी ब्लेम हुआ, आज की सरकारों के ऊपर भी ब्लेम हुआ, लेकिन उतनी देर तक ड्रग्स का धंधा ड्रग्स की चपेट में जो पंजाब आया, जितनी देर तक समाज के हर वर्ग को जागृति ना आएगी उतनी देर हम ड्रग्स का बिल्कुल पंजाब से खात्मा नहीं कर सकते।